मैं सुनता हूं कि हुकूमत आ गई, तब्दीली कहां है? उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। ये करप्शन नहीं करेंगे, हमारी अभी तक पॉलिसियां नहीं बनी, पॉलिसियों के असरात 100 दिनों बाद नजर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मैंने कल शहबाज शरीफ मंडेला बनते देखा, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। 22 साल से कह रहा हूँ कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, कर्ज लिए बगैर मईशत ठीक करने का वाहिद हल लूटा गया पैसा वापस लाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का इजलास, बलदियाती निज़ाम के नफाज और हाउसिंग प्रोग्राम पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि पुराने बलदियाती निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करके नया निज़ाम लाएंगे। मकसद आवाम की फलाह बहबूद और मकामी लोगों के पास निचली सतह पर इक्तदार मुंतकिल करना है। निज़ाम में बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरकारी एराजी पर मौजूद कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने की हिदायत। जौहर टाउन में कब्जा माफिया मंशा बम की गिरफ्तारी में मुदाखलत का मामला, रुकन कौमी असम्बली करामत अली खोखर की वज़ीर आला हाउस तलबी, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, मामले में मुलव्वज़ होने पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को वजाहत तलब करने का टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तजावजात के खिलाफ मुहिम को सराहा, हमारा मकसद बड़े मगरमच्छों और कब्जा माफिया से शहर को निजात दिलाना है। आइंदा सरकारी एराजी पर कब्जा हुआ तो एंटी एनक्रोचमेंट सेल जिम्मेदार होगा। करामत खोकर ने कभी कब्जा ग्रुपों की सरप्रस्ती नहीं की, सूबाई वजीर हाउसिंग महमूद रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 10 अक्टूबर को 50 लाख घरों के हवाले से पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, शरीफ खानदान ने सर जोड़ लिए, जाति उम्रा में अहम बैठक, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत खानदान के दीगर अफराद की शिरकत। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरतेहाल और आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू, कानूनी माहिरीन से भी मशावरत की गई। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे, अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला।